वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यास्ट सेशन में हमने किया था टाइप ऑफ ऑफर इसी को आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं और देखने वाले हैं ऑफर से रिलेटेड वो सारे रूल्स कौन से कौन से हैं। सबसे पहली बात तो ऑफर से रिलेटेड जो भी कुछ हमने लास्ट सेशन में किया था दो मिनट में मैं, मैं रिवाइज करना चाहती हूँ और फिर हम लोग बढ़ेगे आगे देखो ऑफर जो व्यक्ति करता है जो देता है ऑफर उसे कहते हैं एज द ऑफर जो पर्सन ऑफर देता है उसे कहते हैं एज द ऑफर जिस पर्सन को ये ऑफर दिया जाता है उसे कहते हैं एज द ऑफरी वंस एन ऑफर इज एक्सेप्टेड दिस ऑफरी विल बी कॉल्ड एज द एक्सेप्टर इसी ऑफर के हमने पांच टाइप्स लास्ट सेशन में देखे थे सबसे पहला टाइप जो है दैट इज अ जनरल ऑफर सो व्हाट यू मीन बाय अ जनरल ऑफर वेर एवर एन ऑफर इज मेड टू द पब्लिक एट लार्ज इस केस में any person can accept this particular offer such an offer is known as a general offer isi general offer ko padhate waqt maine aapko ek bahut famous case law bhi padhaya tha jiska naam tha carlyle versus carbolic smoke ball company limited case तो इस case में क्या हुआ था आप लोग जानते हो इस case में कुछ ऐसा हुआ था कि company ने newspaper में advertisement दी थी Advertisement relating to what? कि कोई भी पर्सन अगर हमारे इस पर्टिकुलर मेडिसिन को कंज्यूम करेगा और उसे इंफ्लुएंजा हो जाएगा देन दैट पर्सन विल गेट अ रिवॉर्ड ऑफ वन हंड्रेड दिस लेडी मिसिस कार्लिल जिन्होंने ये इन्फ्लुएंजा खरीदा भी कंज्यूम भी किया सारे इंस्ट्रक्शन जो थे वो फॉलो किया बट उसके बावजूद शी कॉन्टेक्टेड विथ इंफ्लुएंजा सो शी फाइल्ड अ केस अगेंस्ट द कंपनी कहते हुए हे hey, कंपनी देखो मैंने ये सारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो किए फिर भी अगर मुझे इन्फ्लुएंजा हुआ है देन आई एम एलिजिबल टू गेट दिस रिवॉर्ड वन हंड्रेड पाउंड कंपनी कहती है हमने तो कभी आपको कोई ऑफर दिया ही नहीं और अगर हमने कोई ऑफर आपको दिया नहीं तो ऑफर को एक्सेप्टेंस नहीं मिला है और अगर ऑफर को एक्सेप्टेंस नहीं मिला है तो हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है बट फाइनली जज ने ये डिसीजन लिया क्या डिसीजन लिया कि जो ऑफर था ज अनरल ऑफर इट इज अ जनरल ऑफर मीन इट इज ओपन टू दब्लिक एट लार्ज एंड इफ इट इज ओपन टू दब्लिक एट लार्ज एनी पर्सन फ्रॉम द पब्लिक इज फ्री टू एक्सेप्ट दिस पर्टिकुलर ऑफर और कार्लिल ने इस ऑफर को एक्सेप्ट किया मतलब अगर ऑफर को एक्सेप्टेंस मिल गया है यहां पर बन चुका है एक अग्रीमेंट एंड अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ मीन्स अट्रैक्ट तो पहला टाइप ऑफर का होता है जनरल ऑफर सेकेंड टाइप जो है इट इज नोन एज अ स्पेशल ऑफर स्पेशल ऑफर स्पेशल ऑफर का क्या मतलब होता है वेन एन ऑफर इज मेड टू अ स्पेसिफाइड पर्सन और अ स्पेसिफाइड ग्रुप ऑफ पर्सन सच एंड ऑफर इज नोन एज अ स्पेशल ऑफर वापस से वेन एन ऑफर इज मेड टू अ स्पेसिफाइड पर्सन और अ स्पेसिफाइड ग्रुप ऑफ पर्सन Such an offer is known as a special offer. Yes or no, guys? Yes. Only that person to whom that offer is made is eligible to accept such an offer. Third point cross offer. Cross offer. Nam milikha. क्रॉस ऑफर वेन टू पार्टीज एक्सचेंज आइडेंटिकल ऑफर्स, ऑब्बियसली दे आर एक्सचेंजिंग आइडेंटिकल ऑफर्स, बिकॉज दे आर इग्नोरेंट अबाउट द अदर पार्टीज ऑफर सच एंड ऑफर इज नोन एज क्रॉस ऑफर बट देखिए यहां पर दोनों भी पार्टीज के साइड से ऑफर और ऑफर आया है यहां पे ऑफर को एक्सेप्टेंस ही नहीं मिला है क्योंकि ऑफर को एक्सेप्टेंस नहीं मिला है देर इज नॉट गोइंग टू बी एनी बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए ऑफर को एक्सेप्टेंस मिलना कंपल्सरी है यू मीन बाय काउंटर ऑफर ऑफर के बदले में जब ऑफर देते हो तो उसे कहते हैं एज अ काउंटर ऑफर जिस वन सेकेंड

रियली सॉरी जियाना वो जिसकी वजह से जानना पड़ा नाउ शीज टोटली फाइन ओके चलो काउंटर ऑफर वीन बाई अ काउंटर ऑफर ऑफर के बदले में जब ऑफर मिलता है तो उसे कहते हैं एज अ काउंटर ऑफर ओके तो याद कीजिए वो बार्गेनिंग वाला एग्जाम्पल यहां पर क्या हुआ था जो शॉपकीपर था उसने कहा है आई विल सेल यू दिस पर्टिकुलर टी शर्ट फॉर रूपीज फाइव हंड्रेड आप कहते हो पांच सौ नहीं भैया मैं चार सौ रुपए में ये टी शर्ट को खरीदूंगा तो उसके ऑफर के बदले में आपने क्या दिया है एक दूसरा ऑफर दिया है उसी को कहते हैं एज अ काउंटर ऑफर और एक आखिरी पॉइंट था दैट वॉज रिलेटिंग टू स्टैंडिंग ऑफर या तो हम कभी कभार उसको कहते हैं एज अ कंटिन्यूइंग ऑफर और एन ओपन ऑफर एंड ऑफर विच इज ओपन फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज स्टैंडिंग ऑफर और कंटिन्यूइंग ऑफर देखो जब मैं कमेंट्स अपने पढ़ रही थी यूट्यूब के बहुत सारे बच्चों ने मुझे ये सवाल पूछा था मैम जब कभी भी कॉन्ट्रैक्ट होता है आपने कहा था मैम कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है ओवरली भी और इन राइटिंग भी तो आपने बोला था राइटिंग में अगर होता है तो शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है जैसे कि ओरली जब आप शब्दों का इस्तेमाल करते हो या राइटिंग में आपने वर्ड्स का इस्तेमाल किया बट कभी कभार तो कॉन्ट्रैक्ट तब भी होते हैं जब आपने कुछ भी नहीं कहा है या कुछ भी नहीं लिखा है दोस्त आर इंप्लाइड नेचर कॉन्ट्रैक्ट तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को प्रूफ कैसे करते हैं सपोज कोई पार्टी ने ब्रीच कर दिया इंप्लाइड तो छोड़ो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट में भी सपोज आपके और मेरे बीच में ओरली कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और मैंने आपको सर्विसेज दे दिए बट आपने मुझे मेरी फीस नहीं दी है मैं प्रूफ कैसे करूंगी कि मैंने आपको सर्विसेज so दी है सो नाउ आई एम एलिजिबल टू रिसीव द फीस फ्रॉम यू देखो प्रूफ कैसे करते हैं प्रूफ कैसे करते हैं दिस इज नॉट आवर कंसर्न प्रूफ कैसे किया जाता है चीजों को वो आपको एल के कोर्स में पढ़ाया जाता है करेंटली हम लोग सीए का कोर्स देख रहे हैं जिसमें इंस्टीट्यूट ऑलरेडी एग्जामिनर एग्जामिनर जो है एग्जामिनेशन में आपको सिचुएशन दे देगा कि ऐसी सिचुएशन है आपको एनालाइज करके बस जवाब देना है अगर इंस्टीट्यूट ने कोई सवाल दिया है आपको इंस्टीट्यूट के सवाल के आगे सवाल नहीं करना है कि पहले एग्जामिनर तू बता कि ये चीज को हम प्रूफ कैसे करेंगे भारत देश इतना बड़ा देश उसमें इतने सारे राज्य इन राज्यों में न जाने कितनी सारी सिटीज इन सिटीज में न जाने कितनी सारी गलिया और इन गलियों में न जाने कितने सारे लोग जो एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रहे किसी एक गांव में अगर किसी एक पर्सन ने किसी के साथ कुछ धोखा किया है हम कोर्ट ऑफ लॉ में प्रूफ़ करेंगे कैसे इज नॉट आर कंसर्न वो एल एल बी के स्टूडेंट्स का कंसर्न है हमारे लिए इंस्टीट्यूट आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में ही बोल देने वाली कि देखो ये फैक्ट्स है इन दोनों पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था ये टर्म्स एंड कंडीशन है इसने ये सारी नहीं निभाई है। तो क्या ऑलरेडी तो इन तो क्वेश्चन आपका एज अ स्टूडेंट जिम्मेदारी से इतना होता है कि अगर इंस्टीट्यूट ने आपको कुछ सवाल पूछा है आपको उसके सवाल के आगे दूसरा सवाल ना पूछते हुए आप देना है उन्हें जवाब तभी आपको मार्क्स मिलेंगे यस और नो गाइस यस चलो आज के लिए हम शुरू करते हैं विथ अ फ्रेश टॉपिक रिलेटिंग टू असेंशियल ऑफ अ वैलिड ऑफर लास्ट सेशन में हमने देखा था ऑफर क्या होते हैं ऑफर्स के टाइप क्या होते हैं आज हम लोग देखने वाले हैं कोई भी ऑफर वैलिड होने के लिए कौन सी सारी चीजों के रिक्वायरमेंट की जरूरत होती है सबसे पहली चीज देखो ये चीज मैंने ऑलरेडी आपको पहले दिन से ही बताई है ऑफर ऐसा होना चाहिए दैट इट बी ऑफ़ क्रिएटिंग रिलेशनशिप तो मैंने आपको कहा था देखो कोई भी अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज एन ऑफर याद कीजिए आप कटरीना जी और कटरीना uh, कैफ और सलमान का एग्जाम्पल यहां पे कटरीना ने सलमान को ऑफर दिया था चाय पे आने के लिए या तो याद कीजिए विराट कोहली ने अनुष्का को ऑफर दिया था कि आज शाम को वो उसके लिए लेके आएगा एक डायमंड रिंग बट जब विराट ने अनुष्का को ये ऑफर दिया कटरीना ने जब सलमान को चाय पे बुलाने का ऑफर दिया है ये ऑफर जब दिया गया था देर वॉज नो इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप बिकॉज देर वॉज नो इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप माई डियर फ्रेंड्स ये जो पर्टिकुलर ऑफर है इज नॉट A legally binding offer, it is not a legally binding offer. Ha, socially binding, ho sakta hai, domestically binding, ho sakta hai, but wo legally binding, hai. and because it is not binding legally, my dear friends, even if Salman does not come for chai at Katrina's place in the evening, Katrina cannot file a case against Salman, or even if Virat does not get the ring for Anushka, my dear friends, Anushka. कैन नॉट फाइल अ केस अगेंस्ट विराट वाई बिकॉज वेन दिस ऑफर वॉज मेड देर वॉज नो इंटेंशन टू क्रिएट अगल रिलेशनशिप तो लीगल रिलेशनशिप का होना बहुत ज्यादा जरूरी है नो एन्फोर्सिबिलिटी नो कॉन्ट्रैक्ट आइए इस पॉइंट को साथ में रीड करते हैं आपको मेरे साथ इस पॉइंट को रीड करना होगा खमौन ऑफर मस्ट बी सच as is capable of being accepted and giving rise to a legal relationship if the offer does not intend to give a rise to legal consequences and creating legal relationship it is not considered as a valid offer in the eyes of law to kanun ke akosidikum कानून के हिसाब से ऑफर तभी वैलिड होगा जब देर इज एन इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप सोशल इन्विटेशन याद कीजिए कटरीना और सलमान को इवन इफ इट इज एक्सेप्टेड डज नॉट क्रिएट एनी लीगल रिलेशनशिप बिकॉज इट इज नॉट सो इंटेंडेड नेक्स्ट पॉइंट नंबर टू ऑफर मस्ट बी सर्टिन डेफिनेट एंड इट मस्ट नॉट बी वेग ऑफर मस्ट बी सर्टिन इट मस्ट बी डेफिनेट एंड इट शैल नॉट बी वेग याद कीजिए जब मैंने आपको असेंशियलिड कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाया था तब मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था कि मैं एक दुकान पे जाती हूं और मैं कहती हूं कि भैया मुझे वन लीटर ऑफ ऑइल दीजिए अब देखो जब मैंने एक लीटर ऑफ ऑइल की मांग की है मेरा ऑफर बहुत वेग है क्योंकि जब मैं कहती हूं कि भैया एक लीटर ऑफ ऑइल दो

वेग इस शब्द का मतलब जिनको नहीं पता है। वेग का मतलब होता है अ थिंग विच इज नॉट क्लियर सो योर ऑफर शल नॉट बी वेग इट शल नॉट बी वेग मतलब पॉजिटिव सीधी बात अगर बोलनी हो तो मैं कह सकती हूं इट शल बी क्लियर इन नेचर अगर आपका ऑफर ही वेग है आपका एक्सेप्टेंस नहीं मिल सकता और अगर ऑफर को एक्सेप्टेंस नहीं है देर कैन बी नो अग्रीमेंट एंड इफ देर इज नो अग्रीमेंट देर कैन बी नो कॉन्ट्रैक्ट देखो इफ द टर्म्स ऑफ एन ऑफर आर वेग और इनडेफिनेट इट्स एक्सेप्टेंस कैन नॉट क्रिएट एनी कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप दस वेर ए ऑफर्स टू सेल बी हंड्रेड क्विंटल्स ऑफ ऑयल देर इज नथिंग वट्सो एवर टू शो वॉट काइंड ऑफ ऑइल वॉज इंटेंडेड द ऑफर इज नॉट केपेबल ऑफ बींग एक्सेरिटी तो आपका जो ऑफर है इट शेल बी सर्टन इट शेल बी डेफिनेट एंड इट शेल नॉट बी वेक तो देखो दो रूल्स हमने देखे है वैलिड ऑफर के लिए सबसे पहला रूल ये कहता है कि जब कभी भी आप ऑफर देते हो आपका ऑफर ऐसा होना चाहिए दैट इट शल बी केपेबल ऑफ क्रिएटिंग अ लीगल रिलेशनशिप और सेकेंड पॉइंट जो है वो कहता है द ऑफर मस्ट बी सर्टेन एंड इट शेल नॉट बी वेग आइए थर्ड पॉइंट की ओर बढ़ते हैं और इसी थर्ड पॉइंट को प्लीज मार्क इट एज वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट an offer must be communicated to the offeree. देखो ये पॉइंट क्या कहता है ये पॉइंट कहता है ऑफर को एक्सेप्टेंस कब मिलेगा देखो ऑफर को तो एक्सेप्टेंस तब मिलेगा ना जब आपको ऑफर के बारे में पता है जैसे कि सिर्फ फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको ऑफर दिया है दैट डू यू वॉन्ट टू परचेस दिस स्टाइलिश पेन फॉर रूपीज आप हा या ना कब बोलोगे हा या ना तो आप तब बोलोगे ना जब आपको ये ऑफर के बारे में पता हो अगर आपको ये ऑफर के बारे में ही पता नहीं है क्या आप हा कह सकते हो नहीं कह सकते हो हा भी नहीं कह सकते हो और ना भी नहीं कह सकते हो ऑफर तभी एक्सेप्ट किया जा सकता है जब ऑफरी को ऑफर के बारे में पता हो अगर ऑफरी को ऑफर के बारे में पता ही नहीं है तो ऑफर को एक्सेप्टेंस नहीं मिल सकता इसी के लिए एक फेमस केस लॉ मैं आपको पढ़ाना चाहती हूं इसी केस लॉ का नाम है लालमेन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त लालमेन शुक्ला वर्सेस गौरीदत्त देखो इस केस में हुआ क्या था इस केस में कुछ ऐसा हुआ था ट देर वॉज अ लेडी जिनका नाम था गौरी दत्त और इसी गौरी का नेफ्यू जो है वो खो गया नेफ्यू मतलब बहन का बेटा बेटा या बेटी जो भी है इसी गौरी का नेफ्यू जो है वो खो गया अब गौरी ने क्या किया अपने सारे सर्वेंट्स को कहा सारे सर्वेंट्स को कि जो भी मेरे नेफ्यू को ढूंढ के मेरे पास लेके आएगा आई विल रिवॉर्ड हिम विद अ ऑफ मनी अब देखो ये जो नेफ्यू है ये जो भांजा है वो घर से भाग के रेलवे स्टेशन पे पहुंच गया था वो भाग के रेलवे स्टेशन पे पहुंच गया था इतफाक की बात ऐसी थी आप देखो ना इतफाक कैसे होते हैं कि इसी गौरी का वन ऑफ द सर्वेंट्स गांव जाने के लिए रेलवे स्टेशन पे पहुंचा था उसी दिन पे वो गांव के लिए निकलने वाला था तो इसीलिए वो रेलवे स्टेशन पे रुका हुआ था एंड क्यू इंसिडेंटली दिस सर्वेंट Saw this बच्चा इस बच्चे को देखा उसने रेलवे स्टेशन पे अब देखो जैसे ही उसने वो बच्चे को रेलवे स्टेशन पे देखा वो घबरा गया और बोला अरे ये बच्चा अकेले रेलवे स्टेशन पे क्या कर रहा है उसे तो घर पे होना चाहिए तो एज अ लॉयल सर्वेंट ये जो सर्वेंट है वो क्या करता है इसी भांजे को गौरी के घर तक पहुंचा देता है गौरी के घर तक पहुंचा देता है और गौरी के घर पर पहुंचाने के बाद तुरंत वो रेलवे स्टेशन के लिए निकलता है क्योंकि उसे गांव जाना होता है अब जब वो रेलवे स्टेशन के लिए निकलता है बाकी के सर्वेंट्स बोलते हैं कि तू ऐसे कैसे निकल रहा है इनका नाम था शुक्ला जी लालमेन शुक्ला बाकी के सर्वेंट्स इनको कहते हैं कि तू ऐसे कैसे निकल रहा है घर के लिए तुझे नहीं पता मेम साहब ने तो एक रिवॉर्ड डिक्लेयर किया था कि जो भी जो भी जो भी इस भांजे को उनके नेफ्यू को लेके आएगा उन्हें हम रिवॉर्ड देने वाले हैं तो अपना रिवॉर्ड तो मांगने मांग के चले जाओ घर तो इसीलिए वो क्या करता है वो आता है और गौरी जी को कहता है कि मैडम मेम साहब आपने आपने तो रिवॉर्ड डिक्लेयर किया था मेरे पीछे के जो भी मेरे भांजे को मेरे पास ढूंढ के लेके आएगा मैं उसे रिवॉर्ड दूंगी तो देखो अब मैं आपके भांजे को ढूंढ के लेके आया हूं तो मुझे मेरा रिवॉर्ड आप दे दीजिए तब गौरी ने ये रिवॉर्ड देने से मना कर दिया गौरी ने ये रिवॉर्ड देने से मना कर दिया अब सवाल ये उठता है सवाल ये उठता है इज लालमेन शुक्ला इज दिस सर्वेंट एलिजिबल टू रिसीव द रिवॉर्ड दैट गौरी दत्त हैड डिक्लेयर सवाल ये उठता है इज लालमेन शुक्ला एलिजिबल टू रिसीव द रिवॉर्ड दैट गौरी हैड डिक्लेयर तो यही केस जो है जजेस के सामने आया एक साइड पे शुक्ला जी है जो कहते हैं उनको रिवॉर्ड मिलना चाहिए और दूसरे साइड पे गौरी जी है जो कहती है कि हे जज साहब देखो शुक्ला जी को तो रिवॉर्ड के बारे में पता भी नहीं था मतलब बेसिकली मेरा ऑफर कभी उन तक पहुंचा ही नहीं अगर ऑफर ही उन तक नहीं पहुंचा है ऑफर को एक्सेप्टेंस कैसे मिलेगी और अगर ऑफर को एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगी तो हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है और अगर हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है, इसका यह मतलब होता है दिस सर्वेंट इज नॉट एलिजिबल टू रिसीव द रिवॉर्ड तो क्या हुआ ये केस में क्या आप सोच सकते हैं क्या हुआ होगा डिसीजन कुछ ऐसा था सुनो मेरी बात आई थिंक मैंने इनफ टाइम दिया आप लोगों को सोचने के लिए डिसीजन कुछ ऐसा लिया गया कहा कि क्योंकि शुक्ला जी को ऑफर ही कम्युनिकेट नहीं हुआ है क्योंकि शुक्ला जी को ऑफर ही कम्युनिकेट नहीं हुआ है क्योंकि ऑफर कम्युनिकेट नहीं हुआ है ऑफर को एक्सेप्टेंस नहीं मिला है और क्योंकि ऑफर को एक्सेप्टेंस नहीं मिला है ही इज नॉट एंटाइटल टू गेट द रिवॉर्ड ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू गेट दैट रिवॉर्ड आइए देखो हम इस पॉइंट को पढ़ते हैं एंड प्लीज मार्क दिस पॉइंट एज वेरी 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 इंपॉर्टेंट और इसी केस लॉ का नाम भी आपको याद रखना पड़ेगा देखो एंड ऑफर टू बी कंप्लीट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द पर्सन टू होम इट इज मेड otherwise, there can be no acceptance of it. unless an offer is communicated, there can be no acceptance by it. an acceptance of an offer in ignorance of the offer is not an acceptance and does not confer any rights on the acceptor. so please underline this sentence and of an acceptance of an offer in ignorance of the offer. Is not accepted and does not confer any rights on the acceptor. Hmm. Age G. Gauridat sent his servant Lalman to trace his missing nephew. He then announced that anybody who traced his nephew would be entitled to a certain reward. To dekho. जब रिवॉर्ड के बारे में डिक्लेयर किया था तब लालमेन शुक्ला वहां पे नहीं थे एल ट्रेस द बॉय इन इग्नोरेंस ऑफ दिस अनाउंसमेंट अंडरलाइन इन इग्नोरेंस ऑफ दिस अनाउंसमेंट इन इग्नोरेंस ऑफ दिस अनाउंसमेंट सब्सिक्वेंटली वेन ही केम टू नो ऑफ द रिवॉर्ड ही क्लेम्ड इट हेल्ड अंडरलाइन ही इज नॉट एनटाइट नॉट एन नॉट एंटाइटल टू द रिवॉर्ड एज ही डिड नॉट नो अबाउट द ऑफर ये नो गाइज येस तो देखो तीन चीजें हमारी हुई है कौन सी कौन सी तीन चीजें सबसे पहला पॉइंट दफर मज भी केपेबल ऑफ क्रिएटिंग अ लीगल रिलेशनशिप याद रखना नो एन्फोर्सिबिलिटी नो कॉन्ट्रैक्ट सेकेंड पॉइंट जो है वो कहता है योर ऑफर मस्ट बी डेफिनेट इट शल बी सर्टन एंड इट शल नॉट बी वेग थर्ड पॉइंट कहता है दिस ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी अगर कोई एक्सेप्टेंस दिया गया है इन इग्नोरेंस ऑफ द ऑफर सच एंड इज़ नॉट प्रॉपर एक्सेप्टेंस और अगर एक्सेप्टेंस ही प्रॉपर नहीं है अग्रीमेंट नहीं है और अगर अग्रीमेंट ही नहीं है देर कैन बी नो कॉन्ट्रैक्ट और इसी के लिए हमने एक फेमस केस लॉ देखा था जिसका नाम है लालमेन शुक्ला वर्सेज गौरी दत्त नेक्स्ट point number 4 an offer must be way, uh, made with a view to obtaining the assent of the other पार्टी तो जब कभी भी आप ऑफर देते हो आपका इंटेंशन होना चाहिए दैट यू शुड बी गेटिंग द कंसेंट द एसेंट ऑफ द अदर पार्टी यहां पे वही चीज लिखी हुई है जैसे कि से फॉर एग्जांपल मैं आपको कहती हूं कि मैं सोच रही हूं मैं सोच रही हूं कि ये मैं अपना फोन जो है आपको भेज दू मैं सोच रही हूं कि मैं अपना यह फोन आपको भेज दू अब जब मैं अपने सोच के बारे में आपको बताती हूं ओके आई एम जस्ट अक्नोलजिंग टू यू वॉट आई एम थिंकिंग इट विल नॉट अमाउंट टू अ प्रॉपर ऑफर ऑफर देने के लिए आपका इंटेंशन होना चाहिए टू गेट एन एक्सेप्टेंस इन रिटर्न जैसे कि से फॉर एग्जांपल इफ आई आस्क यू विल यू परचेस माय आईफोन फॉर रूपीज एटी थाउजेंड दिस बी कंसिडर्ड एज अ वैलिड ऑफर क्योंकि यहां पे जो ऑफर मैंने आपको दिया था वॉज विथ एन इंटेंशन ऑफ ऑप्टेनिंग योर कंसेंट देन सच एन ऑफर कैन बी रिकॉर्डेड एज अ वैलिड offer next an offer may be conditional what is this point saying yes an offer may be conditional yes sahi sun rahe ho aap log an offer may be conditional it may be subject to certain terms and conditions an offer may be conditional उसमें बहुत सारे conditions आप डाल सकते हो अब आप बोलोगे मैम ये तो गलत है ना ऐसे कैसे कंडीशन हो अगर आपने अनरीजनेबल तो कंडीशन तो कुछ नहीं होगा फिर आप ऑफर को एक्सेप्टेंस मत देना हमने थोड़ी न कहा है? नहीं नहीं आपको ये ऑफर को एक्सेप्टेंस देना होगा ये तो आपकी चॉइस है आपका कंपल्शन ये चीज नहीं है जैसे कि सिर्फ फॉर एग्जांपल बहुत बार जब हम लोग मॉल्स में जाते हैं शॉपिंग करने के लिए हमें दूर से नजर आता है फिफ्टी ऑफ फिर हम लोग अंदर जाते हैं बहुत सारी शॉपिंग भी करते हैं हमें बहुत सारी चीजें पसंद भी आती है। और फिर जब हम बिलिंग काउंटर पर तो 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 मतलब तो मुझे हजार रुपए में मिलना चाहिए फिर वो भैया कहते के, मैडम जी देखिए छोटे अक्षरों में एस्ट्रिक मार्क पे लिखा हुआ अपनी टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई जो टी शर्ट आपने परचेस किया है वो टी शर्ट तो फ्रेश स्टॉक है उस पर तो डिस्काउंट नहीं है तो क्या हमारे साथ गलत हुआ है क्या हमारे साथ धोखा हुआ है नहीं जी आपके साथ कोई भी धोखा नहीं हुआ है ये दुकान दुकानदार की है उसके कपड़े उसके पैसे उसकी मर्जी उसका मन उसको जो टी शर्ट पे जो गारमेंट्स पे डिस्काउंट देना है वो देगा जिसपे नहीं देना है वो ना देगा आपकी चॉइस है ना कि आपको 2000 में खरीदना है या छोड़ देना है यहां पे आपके ऊपर कंपल्शन नहीं है आपकी चॉइस है इसलिए ये जितना चाहे उतना डिस्काउंट दे भी सकता है या ना भी दे डिस्काउंट इसमें इसका कुछ नहीं जाता है हा या ना एंड ऑफर में बी कंडीशन

फैमिली को ही घर अपना रेंट पे दूंगी मैं बैचलरिट्स को अपना घर रेंट पे नहीं दूंगी और सेकंड कंडीशन में डालती हूँ ये फैमिली वेजिटेरियन फैमिली होना कंपलसरी है अब देखो मेरा घर है तो मेरी मर्जी होगी मेरा मन होगा कि मुझे किसे घर देना है और किसे घर नहीं देना है आई डोंट वॉन्ट टू गिव हाउस टू बैचलरिट्स

मेरे मन के हिसाब से मैंने ऑफर दिया है बट आप, आपके मन के हिसाब से या तो उसको एक्सेप्ट कर सकते हो या तो आप उसको रिजेक्ट कर सकते हो क्योंकि ये चॉइस आपकी है एक्सेप्टेंस की या रिजेक्शन की आपके ऊपर कंपल्शन नहीं है आपकी चॉइस है इसलिए लॉ मेकर इसमें कोई भी दिक्कत नहीं मानते हैं तो देखो an offer can be made subject to any terms and conditions by the offeror yes or no guys yes aage okay. an offer shall not contain a term

क्या तुम मेरा ये मोबाइल फोन अस्सी हजार में खरीदना चाहते हो मुझे एक, हन, एक हफ्ते के अंदर रिप्लाई कर दीजिए एक हफ्ते के अंदर अगर आपने रिप्लाई नहीं किया ना हम मानेंगे कि आपने हमारे ऑफर को एक्सेप्ट कर दिया है अब देखो ऐसा ऑफर देना इज नॉट अ वैलिड ऑफर एंड विल बी कंसिडर्ड एज वाइड ऐप इनिशियो कोई भी ऑफर जिसमें आपने ऐसा ऑफर दिया है जिसका अगर एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट नहीं किया गया है तो माना जाएगा जैसे कि वो ऑफर को एक्सेप्ट किया गया है ऐसा ऑफर बिल्कुल भी वैलिड नहीं होता है इन द आईज ऑफ लॉ देखो दस वन के नॉट से दैट इफ एक्सेप्टेंस इज नॉट कम्युनिकेटेड बाय अ सर्टेन टाइम द ऑफर वुड बी कंसिडर्ड एज एक्सेप्टेड वन के नॉट से वन नॉट से वन के नॉट से that if acceptance is not communicated then the offer would be considered as accepted so the example many green patch a proposes b to purchase his android mobile for 5000 and if no reply by him in a week it would be assumed that b had accepted the proposal this would not result into a contract क्स्ट पॉइंट नंबर सेवन जो ऑलरेडी मैंने लास्ट सेशन में आपको पढ़ा दिया ऑफर जनरल भी हो सकता है और ऑफर स्पेशल भी हो सकता है ऑफर स्पेशल कब होता है स्पेसिफाइड ग्रुप ऑफ पर्सन इट इज नोन एज अ स्पेशल ऑफर और जेनरल ऑफर वेन एन ऑफर इज मेड टू दब्लिक एट लार्ज इट इज नोन एज अल ऑफर वेन एन ऑफर इज मेड टू दब्लिक एट लार्ज इट इज नोन एज अ जनरल ऑफर ये पॉइंट नंबर एट है जिसको मैं ग्रीन करना भूल गई तो आपके पास अगर ग्रीन पेन होगी प्लीज इसको ग्रीन में मार्क कर देना ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम अ म्योर इंटेंशन इन्विटेशन टू ऑफर और इसी इन्विटेशन टू ऑफर के बारे में एक्सप्लेन किया गया है इन पॉइंट नंबर टेन तो वहां पे प्लीज लिख दो रिफर पॉइंट नंबर टेन ये इन्विटेशन टू ऑफर और ऑफर अपने आप में एक बड़ी दुनिया है इसके बारे में हम लोग कल देखने वाले हैं आज इसलिए आप आ जाओ पॉइंट नंबर नाइन पे एंड ऑफर में ईद भी एक्सप्रेस और इट मे बी इंप्लाइड जब मैं कहती हूं एक्सप्रेस इट कैन ईदर बी एक्सप्रेस्ड ओरली और इट कैन बी एक्सप्रेस इन रिटर्न तो ओरली मैंने आपको पूछा आर यू इंटरेस्टेड टू परचेस दिस स्टाइलिस्ट पेन फॉर रूपीज वन थाउजेंड दिस इज एन एक्सप्रेस ऑफर एक्सप्रेस्ड ओरली राइटिंग जैसे कि मैंने आपको ई मेल के द्वारा ऑफर दिया आर यू इंटरेस्टेड टू परचेज माई कार फॉर रूपीज ट्वेंटी लैक्स सो ई मेल में इज एन एग्जाम्पल ऑफर विच इज एक्सड बट कभी कभार इम्प्लाइड भी होता है देखो जैसे कि जब बस बस स्टॉप पे आती है बस जब बस स्टॉप पे आती है तो इट इज नोन एज एन इम्प्लाइड ऑफर और आपका बस में बैठना इज एन इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस तो ऑफर हो सकता है राइटिंग में हो सकता है उसको कहते हैं एक्सप्रेस ऑफर या तो वो इंप्लाइड भी हो सकता है और एक आखिरी पॉइंट मैंने आपको ऑलरेडी कहा है 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 ये इनविटेशन टू ऑफर क्या है? इसके बहुत सारे एग्जांपल्स जो है, हम लोग कल देखने वाले हैं करंटली हम लोग पांच मिनट में जो भी ये सारे नाइन पॉइंट्स किए उसका रिवीजन करेंगे और फिर बस आज के लिए इतना ही देखो सबसे पहला पॉइंट जो है वो कहता है एंड ऑफर ओके, शेल बी केपेबल ऑफ क्रिएटिंग अ लीगल रिलेशनशिप अगर लीगल रिलेशनशिप नहीं है तो आपका ऑफर वैलिड नहीं होता है यही ऑफर मस्ट बी सर्टिन डेफिनेट एंड इट शेल नॉट बी वेग मीन्स इट शेल बी क्लियर इट शेल बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी इफ इफ द ऑफर इज नॉट एक्सेप्ट इज नॉट कम्युनिकेटेड

एक्सेप्टेंस ऑफर स्पेसिफिक भी हो सकता है जनरल भी हो सकता है एक्सप्रेस भी हो सकता है और ये इम्प्लाइड भी हो सकता है आज के लिए बस इतना ही करेंगे। धन्यवाद कल मिलते हैं थैंक यू वेरी मच